नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल CKR किचन में। मैं हूँ चंद्रकांता राजपुरोहित और फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बना रहे हैं राजस्थान की बहुत ही प्रसिद्ध बाफला बाटी। तो आइए हम राजस्थानी बाफला बाटी बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा ले लिया है, लगभग 2.5 कप के करीब गेहूँ का आटा लिया है। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच दरदरा कूटा हुआ साबुत धनिया और 1 चम्मच है जीरा अजवाइन। तो अजवाइन को हल्का सा हाथ से मसल के ले लिया है हमने, तो ये इसमें हम ऐड कर देंगे। और 1/4 चम्मच के करीब इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। इससे क्या है कि बाटी काफ़ी फूल जाएगी और अंदर से एकदम सॉफ्ट होगी। और टेस्ट के हिसाब से हमको डालना है नमक, तो स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक ऐड कर लेते हैं। एक बार थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हमको ऐड करना है मोइन, तो आप चाहे तो घी का भी डाल सकते हैं और चाहे तो ऑयल का भी डाल सकते हैं। तो मोइन हमको इतना डालना है कि आटे को जब हम मिक्स करके चेक करें तो एकदम बाइंड होना चाहिए आटा। तो पहले हम 4 चम्मच इसमें ऑयल डाल के देख लेते हैं। बाफला बाटी जो है वो घी के मोइन से भी अच्छी लगती है और ऑयल के मोइन से भी वो अच्छी ही लगती है, तो अपने हिसाब से कोई भी डाल सकते हैं। तो एक बार हम इसको मिक्स करके देख लेते हैं। और बाटी हम तैयार कर रहे हैं, तब तक हमने गर्म पानी रख दिया है क्योंकि इनको हमको उबालना है पानी में। तो बाटी हम तैयार करेंगे तब तक पानी हमारा उबल के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, थोड़ा सा इसमें हम 1 चम्मच के करीब ऑयल और डाल लेते हैं, तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा मोइन हो जाएगा आटे में। और अब इसको एकदम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे एक बार। तो ये मोइन हमने मिक्स कर लिया है, तो अब इसको आटे को हम बाइंड करते हैं। तो मुट्ठी बन रही है यानी इतना मोइन इसमें बिल्कुल बराबर है। तो अब इसमें हमको गुनगुना पानी डालते हुए आटा लगाना है। तो यहाँ पे पानी अगर गुनगुना यूज़ करेंगे तो बाटी हमारी सॉफ्ट बनेगी। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमको हल्का सा सख्त आटा लगाना है, बहुत ज़्यादा गीला आटा नहीं लगाएंगे। जो रोटी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सख्त आटा हमको लगा के यहाँ तैयार करना है। तो ये इस तरह का हल्का सा सख्त आटा लगा के हमने तैयार कर लिया है। इस आटे को 5 मिनट के लिए हम थोड़ा रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। आटे को रेस्ट करते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं, तो अब एक बार इसको हम थोड़ा सा हाथ से इस तरीके से थोड़ा सा मसल के गूंथ लेंगे और इसकी बाटियां बना के तैयार करते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बाटियां हम नहीं बनाएंगे, तो थोड़ा सा हमने टुकड़ा लिया है और उसको थोड़ा सा बाइंड कर लेंगे ताकि बाटी अच्छी बने। और रोटी का जो हम पेड़ा लेते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा हम लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हम नहीं बनाएंगे। और उसको इस तरीके से करते हुए इस तरीके से छोटी छोटी बाटियां बना के हमको हल्का सा उसको दबा देंगे और सारी बाटियां बना के इस तरीके से तैयार कर लेंगे हम। और यहाँ हमने पानी बॉईल करके रखा हुआ है, इसमें हम थोड़ा सा आधी चम्मच के करीब इसमें ऑयल डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि बाटियाँ आपस में चिपकेंगी नहीं और बाटियों को हम उबलते हुए पानी में डालते जाएंगे बना के। तो इस तरीके से सारी बाटियाँ मैं इसमें डाल देती हूँ उबलने के लिए। तो ये सारे बाफले हमने उबलते हुए पानी में डाल दिए हैं, तो अब इनको हम कम से कम 10-15 मिनट के लिए इनको हम इसी तरीके से उबलने देंगे। 5-5 मिनट के बाद थोड़ा सा हम चम्मच या किसी भी जाली की सहायता से थोड़ा सा इनको ऊपर नीचे कर लेंगे हम, ताकि ऊपर वाले बाफले नीचे आ सके और नीचे वाले, ताकि इक्वलिटी सारे बाफले जो हैं एक तरह से बॉईल हो जाएं। तो इनको ऊपर नीचे करते हुए हम 15 मिनट के लिए बॉईल कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो 10-15 मिनट हो गए हैं बाफलों को उबलते हुए, तो ये हमारे बाफले बिल्कुल बॉईल होकर रेडी हो गए हैं। इस तरीके से बबल्स आ जाते हैं उबलने के बाद में और बाफलों के ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं थोड़े थोड़े इस तरीके से। ये क्रैक्स आने शुरू हो गए हैं और बाफले हमारे काफ़ी फूल कर पानी के ऊपर आ गए हैं एकदम, यानी कि ये उबल के बिल्कुल तैयार हैं। तो अब इनको हम पानी से बाहर निकाल लेते हैं। तो एक्स्ट्रा पानी जितना हो सके हम निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से थोड़े से सूख जाएं और इनको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं।
अब इन बाफलों को हम 8-10 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इनको कटिंग करके डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ बाटी हमारी बिल्कुल ठंडी हो गई है, 8-10 मिनट हो गए इनको रखे हुए। तो अब इनको हम बीच में से दो हिस्से कर लेते हैं इस तरीके से। सभी बाटियों को हम इस तरीके से दो हिस्से करके कटिंग करके तैयार कर लेंगे। और तब तक हमने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है कढ़ाई में। और अच्छी तरीके से बॉईल हुई बाटियों की यही पहचान है कि बिल्कुल अंदर देखिए एकदम जाली सी पड़ी हुई है और एकदम कलर चेंज है बाटी का। अगर बाटी हमारी कच्ची होती है तो काटते वक्त भी चाकू में आटा लग जाएगा बहुत सारा, और इस तरीके से जाली नहीं पड़ी होगी अंदर से, तो बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम परफेक्ट हमारी बाटियाँ उबल के तैयार हुई है। तो सभी बाटियों को इसी तरीके से हम कटिंग करके रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ एक टिप और बताना चाहूँगी मैं, अगर आप बहुत जल्दी इनको डीप फ्राई करना चाहते हैं या कभी आपके पास बहुत कम टाइम है तो एक बाटी के आप 4 पीस भी कर सकते हैं। जैसे दो हमने किए हैं तो एक कट इस तरीके से लगा लें तो एक बाटी के 4 हिस्से हो जाएंगे। तो बहुत ही जल्दी ये कुरकुरी होकर तैयार हो जाएगी, बहुत कम टाइम में आप इसको डीप फ्राई करके तैयार कर सकते हो। तो ये हमने बाफला बाटी को डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लिया है और हाथ से चेक करेंगे तो काफ़ी अच्छी हीट आ रही है ऑयल से, तो ऑयल अच्छा गर्म हो गया है। तो अब हम एक बार में उतनी ही बाटियाँ इसमें डालेंगे जितनी कि हम आसानी से उनको पलट सकें। तो एक एक करके डाल लेते हैं। तो ये बाटियों को हमने ऑयल में डाल दिया डीप फ्राई होने के लिए। तो एक तरफ से हम इनको लाइट गोल्डन कलर आने देंगे हल्का सा, और फिर इनको हम पलट लेंगे। तो दोनों तरफ से इनको पलटते हुए अच्छी सी क्रिस्पी होने तक डीप फ्राई करनी है। वैसे बाटियां हमारी जो है अंदर तक एकदम पकी हुई है, हमने इनको उबाल के तैयार किया हुआ है, कच्ची नहीं है, लेकिन इनको हमें ऊपर से क्रिस्पी और अच्छा कलर आने के लिए इनको अच्छी तरीके से डीप फ्राई करना है। और गैस का जो फ्लेम है वो हमने बाटियों को कढ़ाई में डालने के बाद में मीडियम कर लिया था, तो मीडियम फ्लेम पर हम इनको डीप फ्राई करेंगे। अब इन बाटियों को हम पलट लेते हैं। 5 मिनट हो गए इनको फ्राई होते हुए एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं 4-5 मिनट। तो ये बाटियाँ हमारी डीप फ्राई होकर रेडी हो गई है। पलटते हुए दोनों तरफ से हमने इनको डीप फ्राई कर लिया है, तो काफ़ी अच्छा कलर आ गया है इनमें, एकदम लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है और एकदम कुरकुरी करारी हो गई है। तो अब इनको हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो इनको इस तरीके से कढ़ाई के साइड में हम रखते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाए ताकि इनका, और हम इनको निकाल लेते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छी कुरकुरी बाटी बन के तैयार हुई, आवाज़ से ही लग रहा है। सारी बाटियों को हम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से दूसरा बैच भी हम डीप फ्राई कर लेंगे। ये सारी बाफला बाटियों को हमने डीप फ्राई करके तैयार कर लिया है और बहुत ही बढ़िया बाटी बन के हमारी तैयार हुई है। देखिए ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से ये एकदम रुई की तरह सॉफ्ट होती है बाटी, देखिए बिल्कुल शानदार एकदम। तो इस बाटी को हरे मूंग की दाल और मिक्स दाल के साथ सर्व किया जा सकता है, बहुत ही टेस्टी लगती है। राजस्थान में इसे इन्हीं दालों के साथ सर्व किया जाता है, वैसे तो किसी भी दाल के साथ सर्व करें अच्छी ही लगती है। और ऐसे ही इस बाटी को अगर हम चाय के साथ भी खाएं ठंडी होने के बाद, दूसरे दिन भी ये खराब नहीं होती है, 2-3 दिन तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चाय के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है ये बाटी, और सफ़र में भी ले जाएँ तो आराम से 2 दिन चलती है, ख़राब नहीं होती, सफ़र के लिए भी बेस्ट है ये। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। और इसी तरह की और भी नई नई वीडियोस को देखने के लिए आप YouTube पर मेरे चैनल CKR किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।